हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से देंगे। आज से शुरू हो रहा होगा संसद का मानसून सत्र। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। और मध्यम वर्ग को टैक्स छूट समेत कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसके पहले बजट सत्र या मानसून सत्र कह सकते हैं, उसके शुरू होने से पहले जिस तरह परंपरागत सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाती है, सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित हुए। विपक्ष ने कई मुद्दों पर बात की और अब कल जब 23 जुलाई को संपूर्ण बजट केंद्र सरकार की तरफ आया जाएगा तो माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग को टैक्स छूट समेत कई उम्मीदें जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टैक्स स्लैब जो कि 7 लाख है, अब वो बढ़ाकर 3 लाख यानी कि 10 लाख संभवता है। ये तो टैक्स छूट जिसपे सबकी नजर रहती है, खासकर मध्यम वर्ग की, कि ये क्या कुछ होगा, इसको लेकर वित्त मंत्री कल निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। संपूर्ण बजट में देखना होगा कि क्या कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस पे सबकी नजर इसलिए की जुड़ी रहती है कि कैसे महंगाई और बेरोजगारी के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कुछ टैक्स में रहने वाला है। और अब जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सदन के पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा कर रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन और 6 विश्वविद्यालय के रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन। सदन में 2 विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। तो बता दें कि उप मुख्यमंत्री यानी आपको ये भी बता दें कि प्रेमचंद्र बैरवा ये वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। 6 विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। सदन में 2 विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा की जाएगी। सदन में संबंधित मंत्रियों के जवाब भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और जहां पर प्रश्नकाल से शुरू हुई, उसके बाद प्रश्नकाल के बाद फिर बजट मंत्री यानी कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रश्नों के जवाब दिए। अब ये सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे जिसपे चर्चा की जाएगी और उसके बाद उसका जवाब खुद मंत्री देंगे। 2 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में संबंधित मंत्रियों के जवाब रहने वाले हैं और सदन के पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र है और सदन के पटल पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन, ये जानकारी सामने आ रही है। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन। तो आज के दिन का बजट सत्र हम आपको बता रहे हैं और 6 विश्वविद्यालय के रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन। सदन में 2 विभागों के अनुदान की मांगों पर भी आज चर्चा रहने वाली है और सदन में संबंधित मंत्री जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सावन का पहला सोमवार आज है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तो भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है सुबह 4 बजे से ही, जहां कांवड़ यात्रा कल रात में रवाना हुई और उसके बाद से हर एक शिव मंदिर में आपको इसी तरह श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबके जुबान पर से बम बम भोले, जय भोलेनाथ और उसके बाद उसकी गूंज, उसके जयकारों की गूंज और हर शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जाएगा। सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसा बहुत कम होता है कि सावन का महीना सोमवार से ही शुरू हो। तो ये जो इस बार की जो विधि विधान बताई जा रही है या फिर जो ग्रह नक्षत्र बताए जा रहे हैं वो काफी बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, और क्योंकि सावन का शुभ महीना जल्द ही शुरू हो गया और इससे कई जगह पर श्रावण मास भी कहा जाता है। 3 तस्वीरें पहले आप देख सकते हैं, एक मंदिर की तस्वीर है जहां भक्तों का जल सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम कांवड़िए वो गंगा जी का जल लेने के लिए वो पैदल निकल चुके हैं पैदल यात्रा के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर जहां भक्तों का सैलाब, हर कोई चाहता है कि जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक शिव मंदिर पर किया जाए। यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना माना जाता है और जो देवों के देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित है। तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और इसी पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है कोटा से, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है, तस्वीरें दिखाइए कैसा माहौल है मंदिरों में।
शिव जी की आराधना का महीना, शिव जी को प्रसन्न करने का महीना और आज के दिन की शुरुआत हो गई है, सावन के महीने की शुरुआत हो गई और अद्भुत संयोग, दुर्लभ संयोग जो करीब 72 साल बाद में बना है कि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हुई है, समापन भी सोमवार से ही होगा, 5 सोमवार इस बार सावन के महीने में होंगे। फिलहाल जो दर्शन हम करवा रहे हैं तमाम भक्तों को, न्यूज 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को, वो शिवालय भी खास है। ये कोटा का शिवपुरी धाम है जहाँ की ये तस्वीरें हैं। शिवपुरी धाम में एक साथ 525 शिवलिंग जहाँ पर देख सकते हैं आपकी आस्था की एक अलग तस्वीर नजर आती है, तो शिव भक्ति में शिव भक्त यहाँ पर नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो खास और अद्भुत बात ये है कि किसी भी शिवालय में कोई शिव भक्त जाता है तो किसी एक शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर पाता है, जल चढ़ा पाता है भगवान भोलेनाथ को, वो तमाम चीज़ें जो प्रिय है वो अर्पित की जाती है। लेकिन यहाँ पर आने वाले भक्त न केवल एक साथ एक शिवलिंग के दर्शन करते हैं बल्कि 525 शिवलिंग के दर्शनों के साथ में 525 शिवलिंग पर जल, दूध, बिलपत्र, वो तमाम चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। तो फिलहाल ये अद्भुत तस्वीर जिसे और खास तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, इस शिवालय की जो महिमा है उसे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और अपने आप में जो यहाँ से जुड़े श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे। तो कहाँ से आए हैं आप लोग और इस शिवालय की क्या खासियत आप लोगों को लगती है? कोटा से ही हैं हम तो आज ऐसे जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार है तो दर्शन करने आए एक साथ यहाँ पर 525 शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है। हाँ, ये शिवालय अद्भुत है, 525 शिवलिंग एक साथ जिनके दर्शन करने का मौका, दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, उसके साथ साथ उनका अभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और सावन के महीने में सभी सनातन प्रेमी, सभी भक्त प्रेमी भगवान शिव को रिजाने कर रही है। और थोड़ा सा तस्वीरें भी दिखाते जाइए क्योंकि महिमा और चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिमा, आपकी तरफ रुख करते हुए, जयपुर में आप किस मंदिर में इस समय हैं और किस तरह भक्तों का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है कि किस तरह भगवान शिवलिंग पे वो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किसी प्रकार कर पाए? बिल्कुल, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के महीने की शुरुआत भी सोमवार से हुई है और ऐसे में सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल राजधानी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर झारखंड महादेव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जलहरी और भगवान का पंचामृत अभिषेक जो है किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है, बाकायदा महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन्स बनाई गई है, जलहरी के लिए लोटे की व्यवस्था की गई है जिससे भक्त आसानी से जो है भगवान का अभिषेक कर सके। मंदिर के पंडित जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आज पूरे दिन कैसे क्या पूजा विधि विधान रहने वाला है, मंदिर में क्या विशेष आयोजन होने जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय झारखंडनाथ। आज सावन का पहला सोमवार है और आज पहला सोमवार होने के कारण आज अभी सर्वा सिद्धि हो प्रीति हो भी बढ़ता है। आज जो भी बाबा झारखंडनाथ की, जो भी महादेव जी की पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और अब की बार जो श्रावण मास का महीना है वो प्रथम सोमवार को प्रारंभ होकर के लास्ट सोमवार को समाप्त होगा और ये जो योग बने हैं श्रावण मास के 72 सालों के बाद में ऐसा योग बना है जो प्रथम सोमवार को स्टार्ट होगा और लास्ट वाले सोमवार को। मंदिर में क्या व्यवस्था है भक्तों के लिए की गई है? मंदिर में सभी जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, मंदिर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं सब सुचारू रूप से बढ़िया व्यवस्थाएं बना रखी है। देखिए झारखंड महादेव मंदिर के खासियत की हम बात करें तो ये मंदिर जयपुर के बीचों बीच स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। बिल्कुल, महिमा, तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी संख्या में भक्त आज महादेव का आशीर्वाद देने के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रशेखर के पास चलते हैं, जोधपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आपसे भी जानेंगे क्या तस्वीरें हैं और आज के दिन की महत्वपूर्णता भी जरा आप पंडित जी से वहां पर पूछिएगा। देखिए, बात करें तो सावन का पहला सोमवार है और सबसे बड़ी बात करीब 70-72 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है जब सावन का आगाज सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है और जो सावन का समापन है वो भी सोमवार के दिन शुरू होगा। इस वक्त हम जोधपुर के अचलनाथ महादेव मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर अल सुबह 4 बजे से भक्तों का जो है आवागमन शुरू हो गया, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्त जगह जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरे शहर से जो है शहरवासी यहाँ पर जो है एक बड़ा आयोजन शाम के समय होता है
तो आप देख सकते हैं जो कतारें जो है भक्तों की यहाँ पे लगी हुई है और दर्शन करने के लिए जो है भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा जो आगे जो सिद्धनाथ महादेव मंदिर के जो दादा दरबार है, दादा दरबार की पेड़ी पर जहाँ पे अभी तक जो लगातार हवन चल रहा है और इसके साथ ही जो है जलाभिषेक के लिए महिलाएं कतार लगाए हुए हैं, वहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से जो एक जो यहाँ पर जो आस्था है भगवान शिव को लेकर। मैं बता देना चाहता हूँ कि सावन के सोमवार जो सावन का महीना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब भगवान शिव ने इस हलाल विष को पिया था और उसको शांत करने के लिए जो है जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है ताकि भगवान शिव को जो है जो इस विष की जो पीड़ा है उससे उनको आराम मिले। कुछ लोगों से बात करें, सर सावन का क्या महत्व और किस तरह के सावन बहुत उमंग है? सर भक्तगण आते हैं और जल चढ़ाते हैं महादेव जी को ठंडा रखने के लिए, तो दूध और जल चढ़ाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो महादेव ने जो समुद्र मंथन के बाद जो हलाल विष जो मिला था उसको उसका विषपान जो महादेव ने किया था और उसको शांत करने के लिए जो महादेव को उस पीड़ा से जो है आराम दिलाने के लिए जो दूध और जल का जो अभिषेक भगवान शंकर को किया जाता है और लगातार जो अगर एक विशेष महत्व जो है सावन का रहता है। और सावन में जो सोमवार की अगर बात करें तो जिस तरह से इस बार पांच सोमवार इस महीने इस सावन के महीने में होने वाला और कहीं ना कहीं सुख सहयोग है और इसको जो है शुभ माना जाता है। ठीक है चंद्रशेखर, आप तस्वीरें दिखाते जाइए और हम श्री गंगानगर की तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। अशोक, ये माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव वो पूरी समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं क्योंकि इस समय जगत के पालनहार कृष्ण भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आप कहां पर मौजूद है, किस मंदिर में और वहां का माहौल अभी क्या है? देखिए, श्री गंगानगर का प्राचीन शिवालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ का माहौल की बात करें तो यहाँ का माहौल भी पूरी तरह से जिस तरह से हमने जोधपुर में देखा, जयपुर में देखा, उसी तरह से भक्तिमय हो रहा है। अल सुबह से ही श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। हम देख भी पा रहे हैं एक तरफ महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं और सभी भक्तों का ये प्रयास है कि वो जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक करें और जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना की पूरी कर सकें। चूंकि इस समय आपने भी मेंशन किया कि भगवान श्री कृष्ण जी से मैं चार महीने की चिरिंद्रा में, तो ऐसे में जो सारी जिम्मेदारी है भगवान भोलेनाथ पे आ जाती है। हम कुछ भक्तों से बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से मना रहे जी आज आप इस बार? अभी पाठ पूजा हुए हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, माता जी किस तरह से मनाते हैं? बहुत बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। अच्छा, क्या मनोकामनाएं होती है गंगानगर के? हम तो सुख शांति चाहते हैं। सुख शांति चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, प्राचीन शिवालय की काफी मान्यता है, आप किस तरह से मनाते हैं? जी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। साहब की जो है कि परंपरा है अपने देश की, ये महान पर्व है इसलिए मनाते हैं कि हमारे साथ हमारे परिवार का भला होए, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। बिल्कुल, देखिए सभी की मनोकामनाएं होती है लेकिन सबसे खास मनोकामना होती है लोगों की जन कल्याण की। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप किस तरह से मनाते हैं? हम लोग शिव जी के मनाते हैं, शिव जी के उत्सव के लिए हमें दिल्ली जाना है तो बाबा के जल चढ़ा के फिर हम दिल्ली। देखिए बिल्कुल श्रुति, आप देख पा रहे हैं श्री गंगानगर का ये प्राचीन शिवालय जन जन की आस्था का केंद्र है और लोगों के लिए बड़ी ही मान्यता है, खासतौर से सावन के महीने में। जय बोलेगी, प्राचीन शिवालय की काफी मान्यता है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। क्या अनुभव रहे आपके? बहुत अच्छे अनुभव रहे हमारे, जैसे बढ़िया शांति, बहुत बढ़िया अनुभव रहे आपके, शांति मिलती है। आप बताइए किस तरह से मनाते हैं? बहुत अच्छे अच्छे से मनाते हैं। देखिए ये श्री गंगानगर के वो श्रद्धालु हैं जो इस समय श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय पहुंचे हैं और प्राचीन शिवालय की हम आपको बात करें तो देखिए माना जाता है कि श्री गंगानगर की स्थापना से पहले प्राचीन शिवालय की स्थापना की गई, तो ऐसे में श्री गंगानगर वासियों के लिए ये काफी आस्था का केंद्र है। खासतौर से सावन के महीने में तो यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। आज देखिए सावन के सोमवार का पहला सोमवार है और बिल्कुल अशोक हम देख भी रहे हैं कि कितना उत्साह है भक्तों में, मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। हम लौटेंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। कोटा इस वक्त लिए चलते हैं, हिमांशु हमारे संवाददाता वहां पर है। हिमांशु जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, लोगों से बात करिएगा क्योंकि आज का दिन सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाएं जो है वो सावन के हर सोमवार का व्रत भी रखती हैं। बिल्कुल श्रुति, लेकिन मैं उससे पहले सीधा जो नागा संत है जो इस 525 शिवलिंग जिसे तपोस्थली भी कहा जाता है संतों की, और खास बात ये कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद में ये इकलौता शिवालय है जहां पर एक साथ 525 शिवलिंग है। महाराज जी आज अद्भुत संयोग
कि सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है, 72 साल बाद ये सहयोग बन रहा है और ये तपोस्थली तो अपने आप में खास है पूरे देश में कि एक साथ 525 शिवलिंग। श्रावण महोत्सव की आज पहले सोमवार की सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों को शुभ आशीर्वाद और बधाई हो। श्रावण का पहला सोमवार आया है, पहले दिवस में ये बहुत शुभ मुहूर्त है। अपने जीवन को धन बनाने के लिए भगवान की पूजा करें, जल अर्पण करें, बिलपत्र चढ़ाएं। शिवपुरी धाम में लाखों भक्त आकर पूजा कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और ये श्रावण का मास जो है जैसे हरा भरा है वैसे ही उसके जीवन में भी हरा भरा हो जाता है। और सभी भक्तों से मेरा प्रेम भरा संदेश है कि अच्छी पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो यहाँ कोटा महानगर में पूरे क्षेत्र में राजस्थान में अच्छी बरसात हो, सुख शांति की बरसात हो और सभी जीव सुखी रहें, सभी संपन्न रहें और सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों से जुड़े रहें। तो बिल्कुल ये नागा संत जो कि इस तपोस्थली पर, इस शिवालय पर लंबे समय से तप कर रहे हैं, जिनसे हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अपने आप में ये शिवालय भी खास है जिसकी महिमा अपने आप में खास है क्योंकि एक साथ 525 शिवलिंग जिनके दर्शनों के लिए यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो आते हैं। आज के दिन को लेकर के क्या मान्यता है, क्योंकि सावन शिव भक्ति के लिए खास होता है और सावन का सोमवार आज है, तो देख सकते हैं आपकी ये शिवालय जहाँ पर एक साथ 525 शिवलिंग और इनके जलाभिषेक के लिए, इनके दुग्धाभिषेक के लिए और इन पर बिलपत्र जुड़े रहिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वहां पर पता चला मनमोहक दृष्टि वहां पर नजर आ रही है। पौराणिक कथाएं बहुत है, सीधे महिमा की तरफ रुक कर लेते हैं। जयपुर जहां पर वो मंदिर में खड़ी हैं, क्योंकि महिमा पौराणिक कथाएं बहुत हैं लेकिन उसके अलावा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों पर आज जल सैलाब भी उमड़ा हुआ है। जहां आप हैं वहां पर आरती, विशेष आरती आज से शुरू की जाती है, उसके बारे में जरा बताइएगा। श्रावण मास की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक महीने के लिए शिव भगवान पृथ्वी पर निवास करते हैं और ऐसे में सारे देवी देवता शिव को खुश करने में लगे होते हैं। तो वहीं बात करें आम आदमी की, तो आम जनता की, तो वो भी शिव को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें करती है और खासतौर पर सोमवार जो सावन के होते हैं और इस बार इस महीने में 5 सोमवार है, यानी कि लोगों को एक सोमवार एक्स्ट्रा मिल रहा है भोले की भक्ति करने के लिए। और शिवालयों की बात करें तो हर जगह विशेष इंतजाम भक्तों के लिए किए गए हैं, फिर बात चाहे जयपुर की हो या फिर महाकाल की हो या फिर और भी कोई प्रदेश की हो। पर फिलहाल मैं राजधानी में मौजूद हूँ जहाँ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर पहले सोमवार के दिन कितना भक्तिमय माहौल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। झारखंड महादेव मंदिर इसलिए भी खास होता है क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग का चमत्कार है कि यहाँ पर भक्त इतनी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जयपुर ही नहीं, जयपुर के आसपास के इलाकों के लोग भी खासतौर पर मंडे के दिन यहाँ पर आते हैं और सावन का सोमवार जो है उसके ऊपर पूजा की जाती है और खासतौर पर आज महिलाओं का व्रत होता है। महिलाएं पूरे दिन भर व्रत रखकर सावन के सोमवार को सेलिब्रेट करती है। उनसे जानना चाहेंगे आज कैसे कुछ पूरे दिन रहने वाला है, व्रत रखा है आपने? हाँ बिल्कुल रखा है। व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी क्या मान्यता है, कुछ पता है? हाँ बहुत कुछ है, जो भी अपन मांगते हैं वगैरह सब फल होता है और भी श्रद्धा मेन होती है, श्रद्धा से होना चाहिए जो भी। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज सावन का पहला सोमवार है, कैसे व्रत रख रही हैं, क्या पूजा? अभी तो यहाँ पे पूजा करने आए हैं, बाकी तो आगे देखते हैं। क्या कहना चाहेंगी आज सावन का सोमवार है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रही है महादेव के आके और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। हमने रात को डिसाइड कर लिया था कि हम झारखंड महादेव के दर्शन करेंगे क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से ही होती है। जयपुर के हैं, जयपुर से? यस मैम। हमेशा आते हैं इस मंदिर में? हमेशा, शिवरात्रि हो, सावन हो और हर मंडे को। क्या चमत्कार है मंदिर का, क्यों आते हैं आप यहाँ, क्या ऐसी चीज है जो यहाँ खींच के? मैम यहाँ पे मान्यता पूरी होती है, अगर शिष्टाचार से हम पूरे मन से करें ना तो महादेव हर इच्छा पूरी करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि भक्त कितने खुश हैं और उनका कहना है कि अगर श्रद्धा से यहाँ पर कोई भी चीज मांगी जाए तो महादेव पूरी करते हैं और खासतौर पर सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि पूरे एक महीने में पूरी सृष्टि पर जो है सिर्फ शिव का वास होता है और ऐसे में सभी देवी देवता भी उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तमाम मंदिरों में तमाम तैयारियां की गई है और आपको मैं बता दूं कि देवस्थान विभाग के मंदिरों में भी खासतौर पर राज्य सरकार की ओर से भी जो है रुद्राभिषेक के आयोजन मंदिरों में किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और सुबह से ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं और ऐसे में
मंदिरों में मंत्री जो है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी पहुंच रही है जो आज मंदिरों में प्रक्षाल कर रहे हैं। देवस्थान विभाग के अधीन सभी मंदिरों में कुल 440 मंदिरों में प्रदेश के रुद्राभिषेक आयोजन किए जा रहे हैं और बजट में भी घोषणा की गई थी इसके लिए कि हर त्यौहार पर खासतौर पर महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, विशेष आयोजन किए जाएंगे जिसके तहत आज आयोजन किए जा रहे हैं। पंडित जी से हम जानना चाहेंगे, सर आज क्या पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है, किस मुहूर्त में लोगों को पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है, जलाभिषेक का क्या महत्व होता है और गंगा जल से अगर अभिषेक करते हैं तो उसका क्या पुण्य होता है? ठीक है महिमा, फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। हिमांशु आपका भी, चंद्रशेखर आपका भी बहुत धन्यवाद और अशोक आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो इसलिए पूरी तैयारियां जो है वो की गई है मंदिरों में।